Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म बिटकॉइन हाइस्ट के बारे में, जो कहानी है एक इंटरपोल एजेंट की, जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक चोर और हैकर को पकड़ने के लिए क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी चोरी का प्लान बनाया। वियतनाम के किसी जेल में फूक नाम का एक लड़का बिटकॉइन के बारे में लोगों को बता रहा है। बिटकॉइन को एक इलीगल डिजिटल करेंसी माना जाता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में इस करेंसी का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और इसमें बैंक में पैसे जमा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फूक ये सब कुछ इसीलिए जानता है क्योंकि वो गोस्ट नाम के एक क्रिमिनल का अकाउंटेंट हुआ करता था, जो बिटकॉइन का इलीगल एक्सचेंज करता है और जिसे इंटरपोल के लोग ढूंढ रहे हैं। उनके नए डील के बारे में इंटरपोल को अपने खबरी से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और उन्होंने फूक को पकड़ने का प्लान बनाया, पर फूक के साथ भेजी गई बॉडीगार्ड की को इस प्लान के बारे में पता चल गया था और पैसों के बदले बिटकॉइंस एक्सचेंज करते ही उसे समझ आ गया कि उसके आसपास पुलिस वाले हैं। किसी तरह फूक को बचाकर की होटल से बाहर निकल गई और वो दोनों अलग अलग रास्ते भाग निकले। एक तरफ फूक किसी थिएटर ग्रुप के बीच जाकर छिप गया था, तो दूसरी ओर जब फोन ठीक करते हुए उस दुकान के मालिक बई ने देखा कि उसके फोन में बिटकॉइंस हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है, तो उसने वो बिटकॉइंस अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ऐसा करने से गोस्ट का अकाउंट पूरी तरह खाली हो गया और ये बात फूक ने की को बताई। पर इससे पहले कि वो उन बिटकॉइंस को वापस अकाउंट में ट्रांसफर करवाती, उसकी हाथापाई शुरू हो गई और उसके हाथों बई को गोली लग गई और कुछ देर बाद पुलिस ने की को भी मार दिया। फूक पकड़ा तो गया, पर कोई सबूत और गवाह ना होने की वजह से गोस्ट अब भी आजाद घूमेगा और फूक को ज्यादा से ज्यादा 10 महीने की सजा दी जाएगी और इस बात के लिए इंस्पेक्टर डडा को जिम्मेदार ठहराया गया। डडा फूक के जरिए गोस्ट को पकड़ना चाहती थी, पर उसे सस्पेंड कर दिया गया। कमिश्नर उसके पिता है, इसलिए उन्होंने उसका प्लान सुनने का फैसला किया और फूक को अगवा कर डडा ने अपने प्लान की शुरुआत की। उसकी मदद से उसने गोस्ट की पहचान के पीछे छुपे आदमी थॉमस को ढूंढ निकाला, जो एक प्रोग्रामर है और गेमिंग चैंपियनशिप चलाता है। पर इस चैंपियनशिप की आड़ में थॉमस एक्सटॉर्शन का धंधा करता है और बिटकॉइंस की मदद से करोड़ों की कीमत का लेन देन करता है। ये सारी बातें जानने के बावजूद डडा को सबूत पाने के लिए फूक की जरूरत थी और इसीलिए उसे फूक की गिरफ्तारी के रिकॉर्ड्स को मिटाना पड़ा। सबूत को पाने के लिए उन्हें गोस्ट के बिटकॉइन वॉलेट को पाना जरूरी था, जो फायरवॉल से प्रोटेक्ट किया गया है, और उस सर्वर तक पहुंचने का कोड गोस्ट की अंगूठी में है, जिसे वो कभी अपनी उंगलियों से निकालता नहीं। उस अंगूठी को चुराने का काम जो कर सकता है वो है जैक, जो हाथ की सफाई में माहिर है और एक चोर है। उसकी चोरी को छुपाने के बदले डडा ने उससे मदद मांगी और जैक के साथी लुहान को अपनी टीम में शामिल किया, जो नकली अंगूठी बना सकता है। लुहान की बेटी लीन भी एक चोर है, जो इस काम में नहीं तो है पर चोरी करने में माहिर है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने थॉमस की पार्टी में घुसने की तैयारी की। उन लोगों ने थॉमस के पार्टी में आ रहे सिंगर को लीन की मदद से बीमार कर दिया और उसका पार्टी में आना कैंसिल हुआ, जिसके बाद डडा जैक की असिस्टेंट बनकर थॉमस से मिली और उसे जादुई करतब दिखाकर उसने जैक के लिए एक मैजिक शो की बुकिंग करवा दी। अगले दिन वो लोग बई की बहन से मिलने गए, जो अपने भाई के कोमा में होने की वजह से परेशान थी। डडा ने उसे उन बिटकॉइंस को पुलिस को देने के लिए कहा, जिन्हें बई ने चुराया था और जिनकी मदद से गोस्ट पकड़ा जा सकता है, पर वो चाहती थी कि गोस्ट को पकड़ने में वो पुलिस की मदद करे और अपने भाई का बदला ले। और क्योंकि वो लड़की वे ही एक हैकर है, सिर्फ वही थॉमस के सर्वर को हैक कर सकती है, इसलिए उनकी टीम में वो भी शामिल हो गई। फूक ने उन सबको वॉलेट के सिक्योरिटी के बारे में बताया, जिसका तोड़ लुहान के पास था। पर प्रॉब्लम सिर्फ लेजर सिक्योरिटी की थी, जिसे पार करने के लिए थॉमस की आंखों की जरूरत है और उस लेजर को छूते ही 3 सेकंड में वो लोग पकड़े जाएंगे। पर इस प्रॉब्लम का भी हल डडा ने निकाल लिया और कहा कि ये काम लीन कर सकती है। एक तरफ लीन उस लेजर सिक्योरिटी को पार करने की प्रैक्टिस कर रही थी, तो दूसरी तरफ वे एक मेड बनकर थॉमस के घर में घुस गई
ताकि वो सिक्योरिटी कैमराज को हैक कर पाए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और चोरी के बाद भागने की तैयारी भी हो गई थी, पर लुहान नहीं चाहता था कि उसकी बेटी एक चोर की जिंदगी जिए। डडा और जैक एक दूसरे से प्यार करते थे, पर जैक ने कुछ हीरे चुराकर भागने का फैसला किया था और उसे इस बात का पछतावा है, पर वो कितनी भी कोशिश कर ले डडा उसे माफ नहीं कर पा रही। पार्टी का दिन आया और हर कोई अपने अपने काम में लग गया। जैक ने अपने शो की आड़ में थॉमस की अंगूठी चुरा ली और वो अंगूठी लुहान को दे दी, और थॉमस को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी अंगूठी बदल दी गई है। सब कुछ सही चल रहा था और सही वक्त पर लीन उस रूम में घुसने में कामयाब हुई। एक तरफ जहां जैक सबका ध्यान भटका रहा था, वहीं लीन उस लेजर सिक्योरिटी को पार करने ही वाली थी, पर फिर उसका पैर फिसल गया और लेजर को छूने से अलार्म बजने लगा। लुहान और फूक लीन को बचाने की कोशिश करने लगे और लुहान और लीन को बाहर निकालकर फूक सर्वर को हैक करने के लिए अंदर रुक गया। बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली वो लोग बिटकॉइंस चुराने में कामयाब हुए, जिसके बाद मौका मिलते ही फूक वहां से भाग निकला और वैन में आ गया। जब तक थॉमस को चोरी की खबर मिली, तब तक वो सब वहां से निकल गए थे, पर रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। थॉमस यानी कि गोस्ट ने उन सबको बंदी बना लिया और उसने अपने बिटकॉइंस वापस मांगे। 40,000 बिटकॉइंस के साथ उसने वो 30,000 बिटकॉइंस भी मांगे जो वेई के भाई ने चुराए थे, पर क्योंकि उसे अपने भाई के इलाज के लिए उन पैसों की जरूरत थी, फूक ने उसे वो बिटकॉइंस देने से रोक दिया, पर इसके बदले फूक को मार दिया गया और दूसरों को बचाने के लिए वेई को वो बिटकॉइंस देने पड़े। फूक के अलावा हर किसी को छोड़ दिया गया और सिर्फ फूक ही था जो वहां से जिंदा निकलने में नाकामयाब रहा। अपने प्लान के नाकामयाब होने पर डडा को उसके पिता ने उस केस से हटा दिया। कुछ दिनों बाद वो सब वेई से मिलने गए और तब उन्हें समझ आया कि उनका प्लान अब भी पूरी तरह फेल नहीं हुआ है, क्योंकि थॉमस के वॉलेट की एक कॉपी वेई ने अपने पास रख ली थी, जिसकी मदद से वो लोग थॉमस को गिरफ्तार कर सकते हैं। उस वॉलेट के ट्रांजैक्शन को डाउनलोड करने पर उन्हें पता चला कि थॉमस असल में गोस्ट है ही नहीं, और थॉमस के सिस्टम में वायरस इंस्टॉल करके उसके बिटकॉइंस चुराने का प्लान गोस्ट का था, जो कोई और नहीं फूक है, और फूक का असली नाम एडम है। पर इससे पहले कि डडा सारी सच्चाई बता पाती, थॉमस ने उन सबको गिरफ्तार करवा दिया। फूक ताइवान में था, जहां उसकी मुलाकात एक रात जैक से हुई। जैक ने उसे बताया कि गिरफ्तारी के बाद उन सबको देश से निकाल दिया गया और इलाज के पैसे ना होने की वजह से वेई के भाई की मौत हो गई। उसने फूक को वेई का नंबर दिया और उन दोनों ने मिलने का फैसला किया। वो दोनों एक दूसरे से मिले, जिसके बाद फूक ने उसे डिनर पर मिलने के लिए कहा, पर वेई ने उसे दूसरा मौका देने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद फूक को लुहान दिखा, जो फूक पर नजर रख रहा था। जब उसने लुहान को पकड़ा तो उसने बताया कि 2000 बिटकॉइंस के बदले वो उसे डडा का असली प्लान बता सकता है। उसने बताया कि हर कोई उसे पकड़ने यहाँ आया है और उस रात कुछ होने वाला है जिसे लुहान रोक सकता है। लुहान ने कहा कि फूक के गोस्ट होने की सच्चाई हर जगह फैला दी गई है और कुछ देर बाद वेई उसे मिलने बुलाएगी। जब वो वेई से मिलने जाएगा, तब डडा फूक को गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए उसे वेई के बारे में भूल जाना चाहिए और जल्द से जल्द अगली फ्लाइट में ताइवान से निकल जाना चाहिए। ये सारी सच्चाई जानने के बाद उस रात लुहान के साथ मिलकर फूक डडा की नजरों से बच निकला। और वेई के साथ एक यॉट में चला गया, जहां ना तो पुलिस थी और ना ही कोई और। फूक ने अपनी सफाई में कहा कि वेई से मिलने के बाद उसने गोस्ट को खत्म करने के बारे में सोचा, पर ऐसा करने के लिए दुनिया की नजरों में फूक का मरना जरूरी था और इसलिए उसने सबको धोखा देकर मरने का नाटक किया। उसकी सफाई सुनने पर भी वेई ने उसे माफ नहीं किया। कुछ देर बाद डडा पुलिस के साथ वहां आ पहुंची, पर तब तक फूक ने वेई को अपनी बातों में उलझाकर अपनी तरफ कर लिया था। फूक और वेई एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। पुलिस से बचाकर वेई उसे अपने साथ ले आई और उसकी चोट का इलाज करने लगी, जिसके बाद फूक ने उससे वादा किया कि अगर वो लोग बचकर वहां से निकल पाए
तो वो बिटकॉइंस और हैकिंग छोड़ देगा। उसने अपने सारे बिटकॉइंस वेई को दे दिए ताकि अगले दिन उन बिटकॉइंस के बदले पैसे लेकर वो लोग एक नई शुरुआत कर पाए। और कुछ देर बाद थक कर वो सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे पता चला कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और वो चाहे कुछ भी कर ले वहां से बचकर नहीं निकल पाएगा। और आखिरकार डडा ने फूक को गिरफ्तार कर लिया। उसका पूरा प्लान डडा को समझ आ गया था और उसे सजा मिलने ही वाली थी, पर फूक ने वो सारे सबूत मिटा दिए थे जो ये साबित कर पाते कि वो गोस्ट है और इसीलिए उसे सिर्फ 8 महीने की सजा मिलेगी। सजा से बचने के बाद भी फूक खुश नहीं था क्योंकि उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी और इसीलिए उनकी जिंदगी के बारे में डडा ने उसे सब कुछ बताया। उसने बताया कि जैक ने चोरी छोड़कर अपना खुद का मैजिक इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया जहां वो बच्चों को मैजिक सिखाता है। लुहान इंग्लैंड जाकर एक अच्छी नौकरी करने लगा जिससे उसकी बेटी की जिंदगी बेहतर हो और सिर्फ वे ही है जिसके बारे में कोई खबर नहीं क्योंकि वो अपने भाई के साथ वियतनाम से दूर चली गई है। अंत में फूक वादा करता है कि वो जेल से निकलने में कामयाब होगा जिसके बाद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, जिसके जवाब में डडा कहती है कि वो उसे जेल से कभी निकलने ही नहीं देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।